करण जोहर के चैट शो में वरुण धवन ने किया कंफर्म दैट यस ही इज डेटिंग नताशा दलाल एंड दे विल गेट मैरिड वेरी सून। करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर कैटरीना कैफ के साथ पहुंचे वरुण से बात करते हुए करण ने जब नताशा दलाल को उनकी गुड फ्रेंड कहा तो उन्होंने करण को करेक्ट करते हुए कहा हैप्पी कपल। यही नहीं उन्होंने कहा वो नताशा के साथ रिलेशनशिप में हैं और जल्द ही उनसे शादी करेंगे। वेल इस चैट शो में काफी कुछ रिवील हुआ बट सबसे पहले बात करते हैं वरुण धवन की। इट्स सो कूल टू सी दैट ऑल दी सेलिब्रिटीज इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स दो तीन सालों में अगर हम देखें दैट दे आर कंप्लीटली ओके विद टॉकिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप्स चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक साथ स्पॉट किए गए बट नॉट स्पोकन बट वरुण धवन has said yes we are a couple and we are going to get married soon. I mean that's a really cool thing. लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी चीज हुई कि करण जौहर ने क्लियर कर दिया देखो दीपिका रणवीर की है उसके बाद नीक जोनस और उसकी है तुम डेट में ना इधर डिफरेंस जरूर रखना भाई कुछ बहुत प्रॉब्लम होती है। Yeah, but it's nice to see, right? क्योंकि एक फैंस जो है वो और ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्टार्स के साथ because now they are real like they also have a personal relationship but they are also quite successful so then you are looked up to ki yaar so cool they looked good together. I completely agree with that. You know ek time hua karta tha like you said ki kuch samay pehle jahan par publicly ek saath bhi nahi aate the wo dono party mein alag aa rahe hain party se alag alag ja rahe hain kyunki perception ye na ki yaar aapko single rehna hai because you need to be that person jahan audience aapse pyar kare. Ranbir kabhi Katrina ke saath dikhe the सलमान भाई कभी कटरीना के साथ दिखे थे नहीं लेकिन अभी देखो वरुण धवन नताशा साथ में दिखते हैं रणवीर दीपिका साथ में दिखते हैं रणवीर आलिया साथ में दिखते हैं एंड द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग सो बेसिकली आजकल काफी क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर आल्सो कि परसेप्शन ये था अगर आप हीरो हो या टॉप स्टार हो हीरोइन हो यू हैव टू बी अवेलेबल एज अ सिंगल पर्सन टू योर ऑडियंस लाइक ऑडियंस शुड फॉल इन लव विद यू नाउ इफ यू आर ऑलरेडी इन लव विद समबडी लाइक योर कोस्ट और समथिंग हाउ विल ऑडियंस फॉल इन लव विद यू मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता था कि अगर मैं हैशटैग सिंगल रहूंगा तो क्या मैं कोई भी ऑडियंस है जो मुझसे बहुत प्यार करते क्या मैं उनके लिए अवेलेबल नहीं यू नीड टू बी वांटेड लाइक ओ आई वांट टू डेट समवन लाइक सो एंड सो यू नो दैट परसेप्शन हैज नाउ चेंज्ड कंप्लीटली एंड लाइक कैटरीना कैफ आल्सो सेड इन द चैट सो दैट आई थिंक इन माय जनरेशन आई एम द ओनली वन लेफ्ट हु सिंगल क्योंकि बाकी सबकी शादी हो गई टॉक अबाउट दीपिका अनुष्का सोनम ऑल दीस पीपल फ्रॉम द सेम एज ग्रुप आर नाउ ऑल सेटल्ड लेकिन आप कटरीना की बात कर रहे हो तो कटरीना कैफ के बारे में एक और चीज पता चली ना दैट कटरीना कैफ और सलमान खान का कभी भी रिलेशनशिप ऐसा पब्लिकली आया नहीं